खरगोन शहर में रघुवंशी समाज के कर्मट और जुझारू साथी दीपक डंडीर को समाज का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जिससे समाज में खुशी का माहौल व्याप्त है। ऐसे में खरगोन जिले के पत्रकारों ने दीपक डंडीर को शुभकामनाएं देकर स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि मीडिया चर्चा के दौरान दीपक डंडीर ने बताया कि समाज को नई दिशा और आयाम देने के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्गों की राय और सलाह मशवरा करके युवाओं की टीम तैयार करेंगे और समाज के लिए एक अलग आयाम पेश करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कैसे समाज सेवा करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ, समाजजनों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। दूसरा, समाज में अभी तक बहुत सारे अध्यक्ष वरिष्ठ रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, पहली बार मुझ जैसे युवा को, छोटे से आदमी को इतनी बड़ी कमांड दी है। मैं कोशिश करूँगा कि समाज नव उत्थान, नव तरक्की की ओर अग्रसर हो। समाज के लिए और ऐसा कोई सब प्लान आपके प्लानिंग तो बहुत होती हैं, पर कभी वजूद में नहीं आई हैं। अब हम लोग जो वरिष्ठ लोगों के साथ मार्गदर्शन में काम करेंगे, समाज के युवा साथ में रहेंगे और बहुत सारे नए आयाम गढ़ेंगे रघुवंशी समाज के लिए, यही विश्वास। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता दीपक भाई डंडीर को रघुवंशी समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। आज सभी पत्रकार जनों ने उनको यहाँ पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। हम सभी आशा करते हैं कि रघुवंशी समाज में एक तरक्की की नई दिशा दे और हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए भी कुछ अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।